हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपनी कहानी मोरकोपदेश पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि एक जंगल में एक बया रहती थी। पेड़ पर उसका घोंसला था। घोंसला जो था वो बहुत ही सुंदर और मजबूत था। जब भी कभी वर्षा आंधी या सर्दी होती तो वो उसकी रक्षा करता था। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन जोर से बारिश होने लगती है। सर्दियों के दिन थे जिसके कारण खूब ठंड हो गई थी। जो बया थी वो अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। उस दिन वह भोजन की भाल में भी बाहर नहीं जाती। घोंसले में जो कुछ भी था वह उसी से काम चलाती है। आगे क्या होता है कि वहां पर एक बंदर आ जाता है। वर्षा से बचने के लिए वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। वह बुरी तरह से भीगा हुआ होता है और ठंड से कांप रहा होता है। जब वह उसको उसकी जो हालत देखती है तो उस पर क्या है तरस करती है। उसे बहुत दया आती है उस पर। फिर वह बंदर से कहती है कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा शरीर है। ईश्वर ने तुम्हें हाथ भी दिए हैं और फिर तुम रहने के लिए ठिकाना क्यों नहीं बनाती। इतना हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। आगे है, मुझे देखो, मैं तो छोटी सी हूं। मेरे हाथ भी नहीं है, फिर भी मैंने चून से तिनके चुप चुप कर अपना घोंसला बना लिया है। तो जो बया होती है वो कहती है कि मुझे देखो, मतलब मेरी तरफ देखो, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मेरे हाथ भी नहीं है और फिर भी मैंने अपनी चून से तिनके चुप चुप कर अपना क्या है घोंसला बना लिया है। आगे, अब मैं इसमें मजे से रहती हूँ, मुझे ना सर्दी का डर है ना वर्षा का। कहती है कि मैं तो बहुत ही मजे से रहती हूँ, मुझे ना तो सर्दी का डर रहता है ना ही बारिश का। आगे है, बंदर का ठंड के मारे पहले ही बुरा हाल था। बया की बात सुनकर उसे क्रोध आ गया। उसने सोचा, यह नन्ही सी चिड़िया भी मुझे उपदेश देने चली है, इसे अभी मजा चकाता हूं। इसके साथ ही उसने एक झटके में ही बया का घोंसला तोड़कर दूर फेंक दिया। बया बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने बच्चों की जान बचाकर भागी। क्या होता है कि जो बंदर होता है वो पहले ही ठंड से कांप रहा होता है ना, तो उसका ठंड के कारण बुरा हाल होता है। तो जब वो बात भैया की बात सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो क्या सोचता है कि ये जो नन्ही सी चिड़िया है वो मुझे क्या है उपदेश, मुझे सीख देने चली है कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास तो हाथ भी है, तुम्हारे पास तो अच्छा शरीर भी है, तो फिर भी तुम रहने के लिए ठिकाना नहीं बनाती। ये मुझे उपदेश देने चली है, मैं अभी इसे मजा चकाता हूँ, मैं अभी इसे अकल दिखा देता हूँ। क्या होता है कि फिर वो एक ही झटके में, गुस्से में आकर एक ही झटके में बया का घोंसला तोड़कर दूर फेंक देता है। कि बया का जो भी घोंसला होता है उसे फेंक देता है, तोड़ देता है। जो बया होती है वो बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने बच्चों की जान बचाकर भाग जाती है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, मोरक को उपदेश नहीं देना चाहिए। कि जो मूर्ख होते हैं, जिन्हें हम कितना भी समझा ले, अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमें उन्हें कुछ भी समझाना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में कहानी आ गई होगी। धन्यवाद।